अरे आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको लिखना नहीं आता है, आपको ये नहीं मालूम, आपको वो नहीं मालूम, आप ये नहीं जानते हैं, आप वो नहीं जानते हैं, ये सब ताने आपको सुनने को मिलते हैं ना। और जब आप बड़े हो गए, तो फिर दूसरे ताने, तू इतना बड़ा हो गया, तुझ में अभी तक अक्कल नहीं आई, कोई चीज यदि हमारा भरोसा तोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी टूट जाएं, हमें उसके कोई अल्टरनेटिव निकालना चाहिए, सही है कि नहीं? जैसे आज हमारा भरोसा तोड़ दिया किसने? वेरी गुड, कितने समझदार है, क्लैप फॉर ऑल। ओके, तो लाइट नहीं है कोई बात नहीं, दुनिया में हमेशा से लाइट नहीं थी, बाद में कभी आविष्कार हुआ लाइट का, लाइट आ गई। लाइट के आविष्कार होने के बाद में आपको क्या लगता है, लाइट का आविष्कार होते ही माइक का आविष्कार हो गया था क्या? टाइम लगा होगा। यस सर। तो जब लाइट नहीं थी क्या तब लोग बातचीत नहीं करते थे? करते ही होंगे ना। यस सर। बिल्कुल, तो इसलिए कोई भी चीज नहीं भी हो तो भी काम किया जा सकता है। आई मीन टू से कि इंसान को इस बात का रोना गाना कभी नहीं गाना चाहिए कि मेरे पास ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं है, या ये ऐसा तो है ही नहीं तो मैं क्या करूं। आपके पास हमेशा हमेशा कुछ न कुछ होता है, हमेशा कुछ न कुछ होता है, पर लेकिन क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है या जो बाहर से लोगों नेगेटिविटी ला देते हैं कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आप तो ये समस्या से ग्रसित है, आपके पास वो नहीं है, आपको ये नहीं आता है, आपको वो नहीं आता है, तो ये चीज़ ज़िंदगी भर चलती रहती है। आप जब छोटे बच्चे हैं तो लोगों ने आपको बोलेंगे, अरे आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको लिखना नहीं आता है, आपको ये नहीं मालूम, आपको वो नहीं मालूम, आप ये नहीं जानते हैं, आप वो नहीं जानते हैं, ये सब ताने आपको सुनने को मिलते हैं ना। और जब आप बड़े हो गए, तो फिर दूसरे ताने, तू इतना बड़ा हो गया, तुझ में अभी तक अक्कल नहीं आई, है ना? है, तेरा शरीर तो बड़ा हो गया लेकिन तेरा दिमाग बुद्धि बच्चे का है, यही ताने ये चलता है ना, थोड़ा बड़ा बच्चों की बात हो रही है। अब और बड़े हो गए और 60 जैसे हो गए हो, कमाने कब जाओगे, है ना? कमाने कब जाओगे? और थोड़ा बड़ा हो गए, और इतना बड़ा हो गया शादी कब होगी तेरी? और जो है ये जो शिकायतों की फेरिस्त है, ये जो शिकायतें हैं ये लाइफ टाइम चलती रहती है। और व्यक्ति बड़ा हो गया, शादी हो गई, तुम कुछ कमाते नहीं हो, जितना कमाते हो ढंग से नहीं कमाते हो, नया मकान लो, मुझे अलग रहना है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, जो तुम्हारा दोस्त आगे निकल गया, हैं? तुम कहाँ पीछे रह गए, तुम में कोई इंटेलिजेंट नहीं, तुम कुछ समझते नहीं हो। फिर और बड़ा हुआ तो बच्चे हो गए, बच्चे भी बोलने लग गए, पापा आपको कुछ समझ में नहीं आता है। एक मिनट, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो पापा को भी कई बार बोलते, पापा आपको नहीं आता, आप नहीं समझते। अरे मेरे बच्चों,
पापा सब समझते हैं क्योंकि वो पापा हैं, मम्मी सब समझती है क्योंकि वो मम्मी है। मम्मी आपको कुछ नहीं आता है, आप तो पुराने जमाने के हो गए हो। पापा क्या है आपको क्या पता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हम बोल देते ना, लेकिन ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो चीज जिस चीज से हम गुजरे नहीं है वो चीज हमारे समझ में भी नहीं आती है। अक्सर कुछ चीजें पढ़ के आ जाती है समझ में, कुछ चीजें सुन के आ जाती है, कुछ चीजें दूसरों को देख कर के आ जाती है, और कुछ चीजें जब तक आप खुद उस उम्र से ना गुजरो, जब तक आप खुद अनुभव ना करो, आपको वो समझ में नहीं आती। तो गुप्ता जी सही बात है ना? क्या महेंद्र सर सही बात है कि नहीं है? कुछ चीजें आप अपनी उम्र से जब तक आप नहीं गुजरते उस उम्र से, आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। तो आप नहीं जानते हैं कि आपके पिताजी के पास क्या एक्सपीरियंस है, आपके दादाजी के पास क्या एक्सपीरियंस है, आपके टीचर्स के पास क्या एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक उम्र गुजारी है, और जब वो एक उम्र व्यक्ति गुजारता है तो उसको जो अनुभव होता है माय डियर, वो बिना उम्र गुजारे अनुभव नहीं हो सकता है। जब तक कोई इंसान पिता नहीं बनता है उसको पता नहीं चलती है कि पिता का रोल क्या होता है, पिता की जिम्मेदारी क्या होती है, पिता की मजबूरी क्या होती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, आज इस वसंत पंचमी के मौके पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे लिसनर बने। क्या बने? क्या बने? देखो छोटे बच्चे बोल रहे हैं, बड़े बच्चों को शर्म आ रही है। क्या बनना चाहिए? आप एक अच्छे लिसनर बने। आप उस व्यक्ति को भी सुने जिस व्यक्ति के बारे में आप ये सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा करिश्मेटिक नहीं है, या बहुत ज्यादा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन नहीं, उस व्यक्ति को भी सुने। सुनने से हमें माय डियर, सुनने से हमें अनुभव मिलता है, सुनने से हमें दूसरों के अनुभव से हमें सीखने को मिलता है। तो इसलिए आप जो है, मैं देखता हूँ अभी जो है आपके पास घर में मोबाइल आ गया है, सबके पास आ गया, सब चलाते हैं, इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। मैं खुद चलाता हूँ ना कितने देर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर चीज़ का रोना गाना गाने वाला इंसान नहीं हूँ। सब लोग रील चलाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, रील चलाते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी दादी घर पर आपको बुला रही है और आप जो है उधर जा रहे हो, दादी इधर बुला रही है आप जाओ उधर रहे हो, दादी वाले बैठ बैठे और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो रील चलाऊंगा, तो उनकी बात सुनना चाहिए, उनकी बात आपको सुनना चाहिए, सुनने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो पहली चीज आपको क्या बनना चाहिए? एक अच्छा लिसनर। क्या बनना चाहिए? एक अच्छा लिसनर बनना। और दूसरी जो बात है, आप लोग इधर ध्यान दें, दूसरी जो बात है वो ये है कि जब आप कोई भी बात किसी को बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, तो एक बात दिमाग में रखें कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, सामने वाले को कुछ नहीं आता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई अपनी बात समझाने जा रहे हैं, किसी को कोई भी बात बताने जा रहे हैं, तो ये पूर्वानुमान में नहीं रहना चाहिए कि तो इनको पता होगी या इनको पहले से पता होगी। इस वजह से हम जो है इफेक्टिव तरीके से हमारी बात को नहीं रख पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है, हम लोग क्या करें, हम लोग जो है कोई बात किसी को बोलने जा रहे हैं तो बात ये सोच के बोले कि सामने वाले को कुछ भी पता नहीं है। जैसा मैंने भी बोला कि खासकर टीचर्स के लिए बात है। अभी मैंने कल एक फिफ्थ क्लास के बच्चे को पूछा, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत कुछ अच्छा, सब कुछ जानता है, बहुत सारी चीज़ जानता है, पर मैंने उससे पूछा कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। तो वो देश आज़ाद कब हुआ था वो जवाब नहीं दे पाया, जबकि ये बहुत बहुत ही बेसिक, बहुत कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए। आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? जो जानते हो हैंड रेस करें केवल।
कौन से साल में हुआ था ये ज्यादा था? देखो मतलब आप भी, आप लोग बहुत सारे जानते हैं, सबके लिए क्लैप। लेकिन लेकिन ये एक बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन भी आप में से 30% बच्चे, 30-40% बच्चे नहीं जानते। तो जब आप कोई नॉलेज शेयर करने जा रहे हैं, मैं खासकर टीचर की बात कर रहा हूँ, तो ये मत सोचे कि उनको कुछ आता होगा। आप तो बताइए, पूछिए, समझाइए। बहुत सारी बातें हैं जो हम सोचते हैं कि सबको पता होगी, तो पर सबको पता नहीं है। हमारा देश आजाद जो है 1947 में हुआ था, 1947 में। अब हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ कितने लोग जानते हैं? 26 जनवरी कौन सा साल? 1950। ओके, सबको पता नहीं था, अब सबको पता चल गया। नाले शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों को पता चलेगा। अच्छा, बहुत सारे बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो सबको पता नहीं होती लेकिन होना चाहिए। जैसे हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली का न्यू दिल्ली। अच्छा, दिल्ली के पास में कौन से दो राज्य हैं? कोई भी दो राज्य का नाम बताओ। यूपी और हरियाणा। यूपी और हरियाणा, चलो ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी राजधानी है जो दो राज्यों की एक ही राजधानी है? चंडीगढ़। सभी जान गए। अच्छा, कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। कल जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन से देश में गए थे? एक मिनट, कितने बच्चे जानते हैं पहले इंटरेस्ट करो। चलो ठीक है, बताओ कहाँ गए थे। खड़ा हो, तुम बैठ जाओ, तुम खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, जोर से जाओ। तो कहाँ गए थे? यूएई। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूएई का फुल फॉर्म क्या है? चलो कौन बता सकता है, कौन बता सकता है यूएई का फुल फॉर्म? एक चीज तो है आप में लिसनर होना, और दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको क्या होना। दूसरी चीज है आपको क्यूरियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब आपको पता चली कि मोदी जी यूएई गए हैं तो यूएई के बारे में आपको जानकारी निकालना चाहिए थी कि यूएई का फुल फॉर्म क्या है, ये देश कहां पर है, पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया का वहां से क्या कनेक्शन है। ये आपको जानकारी निकालना चाहिए थी। क्यों नहीं निकाली आपने? क्योंकि आप क्यूरियस नहीं थे।